अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। पाकिस्तानी नजाद हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं, भारतीय नजाद ऋषि सुनक बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इन दोनों का ताल्लुक उन ममालिक से है जहां कभी बरतानिया का राज हुआ करता था। पंजाबी में से कहते हैं कदे दादियां दी ते कदे पोतियां दी। कोई कुछ भी कहे, ये जिगरा सिर्फ गोरों का है। हमारे बादशाह अपना तख्त किसी को क्या देते, अपने ही भाइयों से लड़ते रहते हैं। मैं चौधरी बरादरान की बात नहीं कर रही। देखे ना, मगरिब वालों ने तो मेरिट को पहचान लिया है, जबकि हमारे यहाँ पहले बादशाह और अब वजीर आजम का बेटा या बेटी होना ही मेरिट समझा जाता था। आह, कैसे कैसे नमूने हम पर राज करते रहे। आइए आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं। चौबदार की आलमपना तखलिया, क्या हुक्म है आलमपना? अन्नी ने बचा दरबार खाली करो, मेरे को गाल करनी है। जाओ जी आलमपना। आपकी सल्तनत के हालात कितने दिगर हुए, क्या आपने पिछली दफा से अभी तक कपड़े ही तब्दील नहीं किए? हाउ सैड। विच मैं 18 सूट चेंज किए ने, तानू हर बारी आके वखामा आवे के चेंज कर ले। तो आप और कनीज ने आज फिर ट्विनिंग की हुई है। कनीज जी बादशाह सलामत, इधर आके बैठो और ट्विनिंग करो। बादशाह सलामत कभी कनीजों में घिरे हुए होते हैं, कभी मलकाओं में घिरे हुए होते हैं, या फिर कभी एंटरटेन हो रहे होते हैं। मैंने नहीं देखा कि आप सल्तनत के बारे में कुछ सलाह मशवरा करें। उन मैं 5 मिनट ली पूंडी कर लूंगा जास्ते। आप तो हर वक्त ही पूंडी करते रहते हैं। सुरैया, क्या तुम ये नहीं चाहती आज जिस जगह पे तुम बैठी हो सारी जिंदगी यहाँ बैठो तुम? सारी जिंदगी तो आपने इस कुर्सी पे नहीं बैठना, उसे कैसे बैठा सकते? मैनू इश्क करन देना है कि नहीं करन देना, तेरी मेहरबानी। सुरैया जी बादशाह सलामत, आप हमें बहुत पसंद है। आज हमने अपने दिल की बात करनी थी आपके साथ, जे एंकर 2 मिनट दे देवे ये हमारी तरफ से। सुरैया, हम जानते हैं कि तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं है। आपकी सल्तनत में जो रहेगा उसके हालात ठीक है? यार खुदा दा नाम मान, यार अल्लाह जान दे, इन्हें प्यार ना गल करने का मूड बना। आपको क्या पता होता पका तका था। सुरैया जी बादशाह सलामत, मुझे बताया कि सारे घर का खर्चा तुम्हारे ऊपर है, और बादशाह सलामत ये कहेंगे आपसे कि आपके घर का खर्चा ये उठाएंगे, हालांकि इनके पास अपनी सल्तनत चलाने के लिए कुछ नहीं है। कोई नहीं, जो नहीं लाना लिखी है ना बोली जाओ, मैं गौर ही नहीं करना। इट्स ऑल कमिंग नेचुरली बादशाह सलामत। सुरैया जी बादशाह सलामत, सारे घर का खर्चा आप पे है। जी बादशाह सलामत, आप ये समझ लें कि आज के बाद आपके दुख दर्द खत्म हो चुके हैं, यहाँ तशरीफ रखे। सच्ची? आज के बाद आधी सल्तनत मैंने सुरैया के नाम कर दी है। तो वो 5,000 तो आपका सर फोड़ देंगी बादशाह सलामत। आप सड़ो बादशाह सलामत। जी हाँ जी, सुरैया तू इतने क्यों बैठी है? तेरे प्यो का तख्त है, बोल रहे पूछियो। दरबार, ये लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले खत्म हो गई। सलामत, इतने अन्नी दे बचे सारा दरबार खाली पे है, मैं दुकानदार जा लगन दिया इतने बैठ के। बादशाह सलामत, आप हम पे शक कर रही है मलके आलिया। मैंने अपनी आंखों से आपके काले करतूत पकड़े हैं। आपकी आंखों का धोखा है या किसी की बददुआ है? धोखा नहीं होता, धोखा होता है। पहले तुमने अपना मुंडा समझ मेरी उर्दू ठीक करा ला। 50 के दौरे हुकूमत में 49 तो आपने इस इश्क मोहब्बत में जाया कर दिए। तुम्हें सुरैया के हालात का नहीं पता, हम तो उसके दुखड़े फूल रहे थे। बादशाह सलामत, ये आप क्या चबले मार रहे हैं? उससे पूछ रहे थे उसके घर में खाने को नहीं पीने को नहीं, अगर हमने उससे ये पूछ लिया कि सुरैया क्या तुम्हें कुछ चाहिए, अगर उसने बता दिया तो उसमें कौन सी बात है? अपना नाचापन बंद कीजिए। बादशाह सलामत, यू आर अ कार्टून नेटवर्क एक्चुअली। आपको कार्टून बुला रही है, आपको कैसा लग रहा है? मैंने सुना ही नहीं है। बादशाह सलामत, आप मेरे दिल से उतरते जा रहे हैं। ठीक है, मैं ये सल्तनत छोड़ के जा रहा हूँ। आपको मुबारक हो, पहले भी मेरे थे कोई इज्जत नहीं। ये घर मेरा गुलशन, गुलशन का खुदा हाफिज, खुदा। हमें लगता है हमने कोई गलत ख्याल देख लिया आपके बारे में। बादशाह सलामत, क्या बात है? जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं? कीजिए। लोग आपके बारे में सही कहते थे? उनकी कह रहे हैं? आपका मुंह वाकई बहुत बड़ा है। सलमान मलका आलिया, आपके नजदीक हम आ जाए हैं, मुंह तो हमारा जब हम पैदा हुए थे उस वक्त भी बहुत बड़ा था। आप आइए, प्लीज विराजमान हो जाइए अपनी नशिस्त पे। मलके आली, आपने फिर इनको माफ कर दिया? तो वो अल्लाह ही बचांदा, तिली लाने लोग तो मुड़दे ही नहीं गए। मलके आलिया जी बादशाह, आपने हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं।
आपके लिए थड़ी बनाई है मैंने। थड़ी? और पता है कितना फार्मी का लगा है? कितना? पूरे 250 का लगा है। बादशाह सलामत एक बात पूछूं? पूछे। खुद आप इतने फरबा हैं और आपके ये जो दरबान है ये तो कहत ज्यादा लग रहे हैं बेचारे, आप इनको खाना नहीं देते, सारा खुद खा जाते हैं। आपने पहली दफा हमारी इज्जत की है फरबा कह के, आप इतने फरबा हैं। बादशाह सलामत फरबा नहीं फरबा, यानी आप मोटे हो गए हैं। इतने भी नहीं हुए, वेस्ट हमारी 45 है। ये कोई मोटा नहीं होता, हेल्दी होता है। अच्छा, बादशाह अकबर के जमाने में एक खास तरह का त्यौहार हुआ करता था जिसमें बादशाह अकबर को अनाज के साथ तोला जाता था। अगर बादशाह अकबर का वजन अनाज से ज्यादा होता तो वो जो अनाज था गरीबों में बांट दिया जाता, और अगर कम होता तो इसका मतलब होता कि बादशाह सलामत कमजोर हो गए, फिर खास दुआओं का अहतमाम किया जाता। तो वो रिवायत अभी भी कायम है या सल्तनत के हालात अब अच्छे नहीं है? वो रिवायत नु खत्म होया मेरे ख्याल 8 महीने हो गए ने। क्यों? अनाज ही कोई नहीं, मैं कल्ला कंडे ते बैठा रहंदा कि नहीं देर। सादे मोहतरम नजर नहीं आ रहे, और बीरबल कहाँ है? लेकिन मुझे कनीज के हाथ में फूल नजर आ रहा है। ये हमारे साथ बात कर रही थी कि इसकी अम्मी ने गुलकंद का कारोबार शुरू किया है इन फूलों से। और जी, कुछ फूलों की पत्तियां बादशाह सलामत के पास भी तो बिखरी पड़ी, आपको नजर नहीं आ रही? हमारे पाँव में पत्तियां हमेशा खिल रही रहती। बीरबल को हाजिर किया जाए। बीरबल हाजिर हो। बीरबल हाजिर है बादशाह सलामत। बीरबल जी। बादशाह सलामत, 2 दिन तुम्हें नजर नहीं आ रहा, कितने से? तेन पता तेरे बगैर मेरा गुजारा नहीं। बादशाह सलामत बच्चे भी पालने, तुम्हें पता तो है जेडे हालात ने। तो आप क्या साथ की सल्तनत में थिएटर करने गए थे? नाल दी सल्तनत दे विच विआह सी, उत्थे उन्होंने मैनू फंक्शन लई बुलाया सी। ओ, यानी के कास्ट होके गए थे। कैसा रहा फंक्शन? ओ टाड़ियां दा फंक्शन सी बादशाह सलामत, ओ आप बड़ी बड़ी पक्की गल करदे सी। 700 रुपया मेरी जेब च सी, ओ 700 रुपया मैं उन्होंने नजरां च दे आया। उत्तों मैनू जांदे उन्होंने ऐसी ऐसी गल की है, कहिंदे बीरबल देख लो धागे ना मज बन्नी होंदी है, बिना वजह स्पीड ब्रेकर होंदा है। ते उन्होंने कीती है जी? बारिश करती उन्होंने, शरबत पीने वाला मच्छर होंदा विच लाइट लाइट करने लगे है जी जी। ते बाहर कड़ी चीज का शोर है की है उस्ताद जी? छापा पै गया। बादशाह सलामत जे तुसी जान दी अमान पाओ तो मैं कुछ अर्ज करा। जी साहब जी। की हरकत कीती ओए? ओए हाथियां दे टैटू बनाने वाली मशीन की कीता है? मैं की कीता है? ओए तू इथे को हरकत कीते थे, तू कनीज सरैया नु छेड़या? अरे सरैया नु? एथों गल लीक हो के हरम च गई है, ओ 5000 औरतां ने बाहर जुलूस कढ़या है। आपके जमाने बाहर बहुत रश है, बादशाह साडा खच है। सादे मोहतरम असी कोई ऐसी हरकत नहीं कीती, ऐसे एंकर दी सौ है। ये मुझे अपने झूठों में ड्रैग ना करे बिल्कुल। बादशाह सलामत पुत्र हालात ठीक नहीं है, हाथ हौला रख। शिकार की तैयारी की जाए, हम अपनी मलका को शिकार पे लेके जाएंगे। शिकार जंगल च करो, तुसी महल अंदर कर ला पे। सादे मोहतरम हमें इलाका बताएं इस दफा कहां जाएं शिकार करने के लिए। छांगा मांगा। छांगा मांगा क्यों? वो नजदीक है, जिन्ने साडे को पैसे ने जो साडे हालात ने असि छांगा मांगा तक ही जा सकने। अगर रस्ते को पैसे थोड़ गए छांगा तो जाने ही, रस्ते थोड़ा जा मांगा भी कर ला। 10 मंद गोश्त का बंदोबस्त किया जाए उस्ताद जी। हलीम बनांदा रहता जनाब दा। नाल तुहानूं पता है कि 3000 बंदा जाना है। 3000 बंदा आपकी सल्तनत के हालात तो नहीं लग रहे कि आपके पास? इन अलले तलल्या ने तो सानूं इत्थे लिया के खड़ा कर दिता है। 3000 बंदा शिकार ते खड़न दी की लोड़ है? अकबर बादशाह बाहर निकले, पता लगे शहनशाह आ रहा है। वैसे अभी बादशाह सलामत के हालात बड़े नाजुक हैं, लेकिन अकबर के दौर में अकबर बादशाह ईद की नमाज के बाद सभी भिखारियों को इकट्ठा किया करता था और भिखारियों में रकम तकसीम किया करता था, और ये जो रिवायत थी ये जहांगीर के दौर में भी जारी रही। अच्छा, वैसे बादशाह अकबर तो सालगिरह भी 2 मनाया करता था, एक शमसी एक कमरी, और आप? वीना जी हुन दौर नहीं रहा सालगिरह मनांदा, पहले तो तोशाखाना इन्ना भरिया सी, रेल पेल सी, इन्ना समान अंदर पिया सी, बाहर गड्डियां खलोतियां ने, लै गए बस सारे। तो आप जैसे बादशाहों ने खाली कर दिया ना? मैं तो बिल्कुल कोई चीज नहीं ली। इस गल दी मैं बादशाह सलामत अली कसम दे ली तैयार कि बादशाह सलामत ने खुद तोशाखाने से कुछ नहीं लिया, लेकिन पौना तोशाखाना बादशाह सलामत ने 4 बीवियां पाके फिर रही। यार उन्होंने की ले लिया वो सादे मोहतरम छोटे छोटे कांटे की है, किसी 7000 कीमत है वो तो मैं 2500 दिता है। आपकी हरकतों की वजह से आपकी रेपुटेशन भी तो इतनी खराब हो गई है ना कि दोस्त सल्तनतें आपको कुछ दे ही नहीं रही। मैंने लगता है तुम ना मेरे पीछे अमरीका ने छड़े है। जी बेल्ट तुम खंभे चढ़ नहीं पाया है। पुत्र हालात ऐसे हो गए, उन्होंने साढ़े बेल्ट भी साढ़े दिल तक आ गए। सलामत दुहाई है। और
जलूस आ गया ओ, मेरे ख्याल हाय धाड़ी ओए अल्लाह दी कसम सरिया ना मेरा कोई तलक नहीं बरजाई उस ते रोना पिटना पद किहड़े बंदे ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करके कीती है मेरी गल सुनो भाभी सरिया बादशाह सलामत दी सिस्टर ऐसी कोई गल भी नहीं ऐ मुंह ते खलोती हुई है पुछ ले सरिया नु लगता है मेरी इधर आओ तुसी बैठो इधर आओ बरजाई अल्लाह जानदा है ये एवं अखवाह हैगी लोगों ने गल्लां बनाईयां ने चिंगारी हो तो धुआं उठता है बेड़ा घर को की मैं सरायकी ते स्कील उड़दे दे विच फसिया पिया उन्हां तुसी समझाओ औरतां नूं कह रहे औरतां को भाई लगदी उन्हें औरतां को उन्हें औरतां नूं भाई लगी पई देखो बरजाई तुसी मेरे वड्डे हो जिस घर तुसी रहिंदे तूं सारे तों वड्डे हो सारियां तुहाडे तों छोटियां ने होया की है बस हुण फैसला ठीक गए किते फैसला ठीक गया है ओ तुसी उन्हें समझासो ठीक हो जासन बस ए हुण आखरी इंदा बाद अंधार आए मैं तलाक गिनसा हैं ओए अल्लाह दी कसम मैं बादशाह जरूर हां तुसी मेरी भरजाई हो तलाक गिनसा ए नवा रौला पाता देखो ना आवाम तड़ते किन्ना इतमाद करदे हुण तलाक भी तुहाडे को लैण आए देखो मेरी गल सुन तुसी कोई सट वजी है बस मैं घिन के रासा मैं कुछ चाहिदी है तलाक वैसे कितने अफसोस की बात है कि अवाम भूख से बिलक रही है और इनकी महलाती साजिश खत्म नहीं हो रही बात तुम पता टालो आया सी कोई फरियादी आवे टल खड़कावे अपनी फरियाद दसे इथे पूरी हुंदी है तो कहां गया वो आपका टल हालात खराब नहीं ओदे विच अलग किल नहीं जिनू खड़काईदा ओ वो कट के ले गए उने इथे टल नहीं बजदा जी ए चुई नमा दरबान महल दे बाहर खड़े करी दे ने जदों कोई फरियादी आंदा ओ इनन चपेड़ा मारदा सन पता लगदा फरियादी आया यार अपनी बीवी ने समझा इतने बाहर औरतों ने जुलूस कढ़िया मेरे खिलाफ ये उन्होंने लीडर बनी हुई है केरे औरतें दी अरे बाहर जुलूस कढ़ी बैठी ने वो तो रोना पिटना नहीं पाया तू भरजाई मैं उन्हें रोना पिटना क्या नहीं करी बैठी तू कद रो रही है मैं अपना रोना रोंदी बैठी हाँ की मतलब मैं इन्हें को तलाक गिननी है अद्दे अदब गुस्ताख तो हम पता लगे गल और चल रही थी बादशाह सलामत पूरे एनर्जी च आ गए मान सिंह ये क्या बदतमीजी है बुजुर्ग और नो तो टेंशन दे रहे हैं मान सिंह तेरी शर्म आनी चाहिए तेरी सीनियर बीवी क्या मसला क्या है ई मैं को कि नहीं कशारी घिन के दी थी कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें मैंने घिन के नहीं दी बादशाह सलामत मैं दे वास्ते कक्को घिन के आई हां मान सिंह तेनु शर्म आनी चाहिए ओ बजाई तै वास्ते कक्को घिन के आई वैसे जान के मान पाऊं तो बरजाई बादशाह सलाम दे कर्ज करे जी हां ए कक्को की हुंदी आई ए जना गोड़ बणदे हो हुंदी कक्को बरजाई ए दस के ए दो कक्को वापस लेनी है या तलाक लेनी है आ जी हां अदल और इंसाफ का तराजू कायम होगा ओए मेरा तराजू किथे पे है कौन सा तराजू तो तकड़ी किथे जिदे मैं प्याज तोलदा हूं किथे की माई दे बस सुके घुंगलू घिन के आई हां ओए घुंगलू खाने ले तो आप नहीं घुंगलू गिन के आ सकती मेरे लिए बादशाह सलामत मैं भी तो घुंगलू खा सकता हूं मैं क्या फद्दा हूं सब तो पहले बजाई की लेंदा सी कक्को कक्को नहीं तेरे को ला सकता बादशाह सलामत सारी जिंदगी कक्को नु तरसे रहे वो जालिम दा बच्चा कक्को खा के केड़ा कक्को हो गया बादशाह सलामत ਬੀਆ ਤੇ ਬੀਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੰਡਾ ਨੇ ਖਾਦੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਸੰਡਾ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਹੈ ਵਿਸੰਨਣ ਵੀ ਸੰਨਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਵਿਸੰਨਣ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਕੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੱਕੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਕੋ ਲੈ ਆ ਕੇ ਦਿਓ ਚੁੱਪਦਾਰੋ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬਕੋ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋ ਕੱਕੋ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਕੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ गुड़ बनाने से पहले जो गन्ने के रस को पकाया जाता है उसे कक्को कहते हैं मेरा मूड कक्को ने खराब करता है तानसेन और अंडरटेकर को बुलाया जाए तानसेन अंडरटेकर हाजिर हो इलाज रखना आ मोरे पिया की लाज रखना आ मोरे पिया की लाज रखना बिनती करत हूँ पहिया पर तू सजन घर आजा लाज रखना आ मोरे पिया की लाज रखना तानसेन ही अलीजा और अंडरटेकर मैं तुम्हारे कुछ मुख्तलिफ नाम रख रहा हूँ फैजी तानसेन आज हमें कुछ ऐसी चीज सुनाए कि हमारा मूड अच्छा हो जाए और आज कुछ लोग भी तुम्हारा साथ देंगे बीरबल जी बादशाह सलामत आज आप हमारे फनकारों का साथ देंगे इनके साथ बैठ जाइए बेटा आप भी यहाँ आके बैठ जाओ क्योंकि रिदम ओदो बनता है
ਜਦੋਂ ਢੋਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਜੁੱਕੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਫੈਜ਼ੀ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੁੱਝਿਆ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਏ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੁੱਝਿਆ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਏ ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਰਹੀ ਏ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਰਹੀ ਓਏ ਹਾਏ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਰਹੀ ਏ ਹਾਏ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਰਹੀ ਏ ਓਏ ਬਾਤ ਕਹੂਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਰਹੀ ਏ जान निकले ते बच जान सावा जे आटा सुख नाल मिल जाए ओ रब्बा रज रज नैनी खावा जे आटा सुख नाल मिल जाए जी अली जा आज इतना खूबसूरत परफॉर्म किया शुक्रिया क्या खा के आए हो कक्को ओए तू भी कक्को खादी ओए उन्हें भी कक्को खादी ओए कक्को कौन कौन था मैं कौन कौन कक्को खादी यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद देवदास हेलो 5 किलो कक्को भेज दो वेलकम बैक टू मस्तियां वैसे तो सुपर हीरोज अफसानवी किरदार हैं लेकिन अगर हकीकी किरदार भी होते तो भी उन्हें तरक्की याफ्ता ममालिक ही सूट करते क्योंकि एक तो वहाँ पर हादसात कम होते हैं दूसरे वहाँ पर वेल ट्रेन्ड रेस्क्यू टीमें होती हैं मगर सोचिए कि अगर पाकिस्तान जैसे ज़्यादा आबादी वाले गरीब मुल्क में कोई सुपर हीरो आ जाए तो उसकी हालत चंद दिन के बाद लोकल बस जैसी हो जाएगी वैसे यहाँ पर जितने मसाइल हैं ना हर शख्स कोई सुपर हीरो बनना पड़ता है लेकिन फिर भी एक हालात के मारे शख्स का राबता हुआ है बैटमैन से जिसने उसका बल्ला ही चुरा लिया हमारे साथ डमी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं बैटमैन आइए उनसे बातचीत करते हैं वेलकम टू मस्तियां बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी मैं तो मदद के चक्कर में यहाँ इसके घर फंस गया हूँ बैटमैन थोड़े नाल वाला साहब आए ने ये मेरे वालिद नहीं बल्कि ये मेरे मोहसिन है बैटमैन इतनी सकील उर्दू आपने पाकिस्तान में सीखी है पता नहीं मुश्ताक यूसुफी दा मुंडा है जिस दिन आया मेरी मजबूरियां हल ही नहीं करन दिया गरीब आदमी है मैं और देखो जी 18 बच्चे ने मेरे मियां बीवियां सी साडा गुजारा नहीं होन दिया किन्ने बच्चे ने जी 18 बच्चे जनाब अजे तू मजबूर है जे तू मजबूर ना होता तू ते अन्नी पा देनी सी तो पाकिस्तान में कैसे तशरीफ आवरी हुई आपकी भाई ऐसे हुई कि ऊपर से जहाज जा रहा था जहाज का एक टायर मैंने और दूसरा सरदार ने पकड़ा हुआ था मैंने सरदार से कहा कि कहाँ जा रहे हो उसने कहा कि मैं दुनिया का चक्कर लगाने जा रहा हूँ सरदार कमाल साहब नहीं यार दूसरे की बात कर रहा हूँ वापस आएंगे या न चक्कर से रहेंगे 17 साल बाद तो दुनिया दे आया फिर सरदार ने मुझसे पूछा भाई मुझसे तो पूछ लिया तुम कहाँ जा रहे हो मैंने कहा मैं लाहौर जा रहा हूँ लाहौर क्यों भाई मस्तियां करने अरे आपने वो मिसाल नहीं सुनी कि जिनने लाहौर नहीं वेखिया वो जमिया नहीं पहले तू किड्डा जमिया होर किन्ना जम लेगा नहीं आपकी तो समझ आती है आप तो सुपर हीरो हैं ये सरदार साहब जहाज के पहिए से लटक के क्या दुनिया का चक्कर लगा भी लेंगे नहीं लगा लेंगे उन्होंने 18 लाख की टिकट ली हुई है भाई देखें जो जितना रैपिड जंप लेता है वो गिरता भी ऐसे ही है लेकिन खड़ा हो जाता है फिर अल्लाह तेरी खैर करे ब्रेक तो बाद तो पौध लेंगे ना भाई उसके बाद इतना लंबा सफर सरदार साहब ने मुझे एक लतीफा सुनाया वो काफी बोरियत वाला था सरदार साहब ने कहा भाई मैंने तो अपनी जान लगा दी आप फंसे नहीं ना ताली बजाई जब आपने ताली नहीं बजाई तो वो नाराज भी हुए हाँ फिर मैंने उनका दिल रखने के लिए ताली जैसे ही बजाई मैं नीचे भाई मैंने देखा एक मैं जिसके नीचे मुर्गी रख एक मिनट आपका किस्सा बहुत लंबा लग रहा है आप कौन साहब है आम आदमी जी महंगाई का मारिया होया बिजली पानी गैस दे बिल जनाब बच्चियां दी फीसां ए मेरे घर आके डिग गए वो तो ठीक है मेजॉरिटी का यही हाल है लेकिन आपका बैटमैन से क्या ताल्लुक है मैं होने ते क्या कि मेरे घर आके डिग गया उस वेले कोमे च सो एक कोमा केड़ा मल्ला जी एक बीमारी है ओ पिछला बंदा एसएम कोमे च है वो बस फुल स्टॉप होने वाले हैं
मेरी हेल्प हुल्प करन नहीं दिया जनाब, बस खुराक खाई जा रहा है। खुराक भी तो तू जैली खुआ रहे हैं। ओ नहीं, चंगा भला उठता सी जिदन दी इन्हां लोग खुराक खादी, हुण 2 फुट ते उठदा बस। ओ 3 दिन हो गए नहीं बल्कि 1 फुट ते उठ के मंगन लग पैंदा है। भाई जी 3 दिन होने करेले कुछ खाई जा रहा है, मैनूं तो पानी वाले तलाब का बैटमैन लगता है। जनाबे वाली मैनूं ये दसो कि ये तुहाडे घर रहिंदा है ते कोई काम की लै रहे हो तुसीं? मैनूं क्या जनाब, मेरे बिल दी किस्तां करा दे। करवाई ना जी, मीटर ही कटवाता सू। हैं क्यों? बिल लैके गया बाप दा दफ्तर, SDO खाना खा रहा सी जी, ओदा खाना लैके उठ गया। बाप दा डियां लाने वाले जनाब 14 बंदे ते पिछे सन टांगे लैके, यकीन करो बोटियां लुटन डे सन। बैटमैन क्यों अपनी रेपुटेशन खराब कर रहे? भाई देखें, आपके मुल्क में आके मेरी तो एनर्जी ही डाउन हो गई है। एनर्जी से मैं डाउन होने नहीं दी थी जी, अच्छी खुराक खुवाइया इन्हू मैं, पुठ का गोश्त ना बेड़ी एडिया बोटियां। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੈਟਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਅੱਧਾ ਢਾੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੇ ਵੋ ਕਾਮ ਮੁਝਸੇ ਲੀਏ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਕੋ ਬਤਾਉਂ ਤੋ ਆਪਕੀ ਆਂਖੇ ਨਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਸ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਟਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ। ਬੜੀ ਤੇਰੀ ਨਨਾਨਾ ਵਾਲੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋ ਮਾਰ, ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਬੈਟਮੈਨ ਹੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਜੌਨ ਏਲੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। बाहर मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी ना, हाँ। यहाँ पे मेरे पास 2T70 है। ये महीना को हो रहे थे रहे ने चेंग चीते सफर करना था। मामा वो बैटमैन ने उन्हें कहा मैंने स्विट्जरलैंड की सैर करा के लिया, तू वो को जाले लुवाई जाना। बंदा कोई लालची जहा लगता है। जो स्विट्जरलैंड की सैर करवा दिया ये को खान साहब, उन्होंने मतलब ये कि ये को वे काम लवो, ये इंटरनेशनल हीरो जे। वो 3 दिन होकर पसलियों दर्द नहीं जान दी कहता बैटमैन ने। बेगम कहाँ आपकी? बेगम लड़के गई है जी, मैंने कहा जा भरजाई अपनी मना के लाया। मना के लाया भाभी गया मनाना से, भाभी आले दुआले फिर रहा उसे शीश शीश करती रही है। अच्छा ये कपड़े चेंज कराओगे ना, ये भतीजा निकल रहा। चलो बैटमैन वापस कैसे जाओगे, फ्लाइट के थ्रू या शिप के थ्रू? भाई देखें, वहां से कोई हेल्प के लिए आवाज देगा फिर जाऊंगा। कपड़े तो तू पाए ने मांग। देखें भाई, मैं मांगल नहीं, लेकिन मजबूरी है, आप समझ रहे हैं, ये आया है कुछ कुछ जो है वो मांगेगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, मैं मांगने नहीं आया, मांगने नहीं आया, नहीं नहीं आया। बैटमैन फ्रॉम रॉय रायविंड, बैटमैन फ्रॉम रॉय रायविंड। यह जो सियाना बंदा बंब के मसाले से चाह बना लेता। अच्छा आए आप उड़ के, अब जाने के लिए आपके पास वो सुपर पावर्स है नहीं, तो पासपोर्ट वगैरह है आपके पास, वीजा शीजा? पासपोर्ट तो मेरा घूम गया या फिर मेरे इस कफील ने छुपा लिया है। ओ कफील किनु कहे जा रहे हैं भाई? आपको केड़ा मेरे अगे ऊंट देख लिया है। मैं तेनू जान नहीं देना, क्यों? मैं तेरे को सारी अपनी खिदमतों का बदला लेना ही। तेरा कद छोटा है, मैं तेनू मोटर मकैनिक लवा देना। सिर्फ मेरा आटा जड़ा ना अज तो डंग रह गया है। मैं तेरिया पखियां चो कढ़ने परौठे। मैं पहले मंगाई दा मारिया जी, उतो मेरे होर खर्चे कराए ने। अरे भाई मेरी तौबा, मुझे माफ करो, मैं इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहता। जाना इधर आना, पेड़ियां वाली लस्सी पींदा रहा जी मैं, गुजरां वाले दा दंगल है। तो भाई साहब मेरी बात सुने कि जब बैटमैन आपके घर आके गिरा था तो आपने क्या क्या ख्वाब देख लिए थे कि क्या क्या करवाएंगे आप इससे? तो कमरा सी बेचारा बैटमैन ने डेके ओदी भी छत सुट दी। भाई साहब आप उसकी फिल्में देखें, उसने मार धाड़ बहुत की है, लेकिन आप तो उसको बहुत ही खतरनाक धमकियां लगा रहे हैं। उसकी फिल्में देखें, एडा सुल्तान राई, सुल्तान राई साहब ना बहुत ही कीतियां मार धाड़े ने, और तू वैसी गुजर कीती होए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वैसी जट कीती तू? नहीं मैंने नहीं की। जट कीती तू? मैंने तकादा एक्टर है। और यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन, और देखते हैं कि अब प्रोग्राम में खबरें क्या क्या है। जी पहली खबर क्या है? सबसे पहली खबर है कि 110 साल खातून ने स्कूल में दाखला ले लिया। बड़ी अच्छी बात है। हाँ। कि मतलब आपको तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। Actually, यही बात मैं कहना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारा मेरा दिमाग कितना दिमाग मिलते नहीं आपस क्यों नहीं मिलते? वो एडा वड्डा तू एडा 110 साल च जाके पढ़न लग पैने, सारा इलम लेके कब्रां ही टुर जाएगी। सरदार साहब आपने नहीं कभी सोचा इस उम्र में पढ़ने का? मेरी जो उम्र की, मेरे तो अभी दूध के दांत नहीं टूटे माशाल्लाह, जो जेब में पड़े हैं।
नहीं वैसे यही चीज ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी लोगों को करनी चाहिए कि जो इंसान तालीम से रह गया है अपनी जिम्मेदारियों में। हाँ, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है लाला, आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले ये डिसलीज उर्दू बोलता है, नहीं शादी साहब कितना मजा आता है कि सवेरे पोता अपनी दादी ने स्कूल छोड़न जा रहा है। हाँ, व्हाट एन आईडिया। परेशान होगा यार, मैंने शाम को दादी को पिक भी कर रहे हैं, वो स्कूल गई हुई है। अच्छा ये भी हो सकता है ये खातून इसलिए ना पढ़ी हो क्योंकि इनकी शादी हो गई हो, उसके बाद फिर वो काम काज बच्चे उनमें मसरूफ हो गई। वैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वाकई जिंदगी के बाकी मामलात में बिजी हो जाते हैं, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग बाद में तालीम बालगा में हिस्सा ले लेते हैं, एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दिया, मतलब 110 ईयर। हमारे सामने ताजा मिसाल रीमा की है कि एक वर्ष बाद उन्होंने तालीम को फिर शुरू किया। रीमा को भी चपेड़ा खानी है जे। रीमा ने भी लेट तालीम हासिल की थी मेरे सुनने में आया, अब ये झूठ है सच मुझे नहीं। लेकिन वीना ऐसा क्या हुआ कि 110 साल की उम्र में उसे पढ़ाई का ख्याल आया? शौक, तालीम से मोहब्बत, और क्या रीजन हो सकती है? बिल्कुल, वो एक सदी गुजर गई है फिर उन्होंने ख्याल आया कि मैं पढ़ना है। राई साहब पढ़ लेना चाहिए, वरना तेरे वर्गा बंदा जहाज च बह के जिथे असी चल रहे उथे हाथ धोने की कोशिश कर रहे। तेरा ना तो पहले मार्को नहीं सी ना, तंदूर वाले की कौन ही सड़ जाए तो यह बंदे। और यह बंदा घरों वही बरात बनना तो ना बरात बन जाता। राई साहब के बाल उड़ जाते हैं, लगता है अब शीधे गिटे के पून लड़े है। और यह अनपढ़ आदमी जी घर दिया जरूरी गल्ला होंगे गैर बंदे को पढ़वा रहा होंगे। अच्छा आपके ख्याल से ये पढ़ाई लाजमी है या कि इंसान का मुशाहिदा जो है वही काफी? पढ़ लिख लेना चाहिए, साढ़े वर्गे कई फनकार जो नहीं पढ़े लिखे, बड़ा अफसोस होंगे जो इमीग्रेशन से जाके सिर्फ एको गल करते पंजाबी पंजाबी पंजाबी। गोरे नु वक्त पैंदा पंजाबी पंजाबी। अब आप ये देखें ना कि सरदार साहब हैं कितने सीनियर हैं, नहीं ज्यादा पढ़े लिखे लेकिन इनका मुशाहिदा इतना ज्यादा है कि चलो जड़ा ज्यादा पढ़े वो कड़ा हेलीकॉप्टर ते आंदा एहो जी तौण जदो असीं वेखांगे ना किसे पहलवान दे गोडे थल्ले आई वेखांगे। श्रीलंका च किसे दी नाड़ फुल जाए ना ते एहो जी हो जांदी। वाई श्रीलंका क्यों नाड़ फुलाई है, तू इत्थे किते फुला ला? नहीं मैं तैनूं सफर कराणा है। अच्छा वीना जी, मुशाहदे की जो बात की है अब वक्र ने, बिल्कुल ठीक बात है, यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी होती है वो आपका मुआशरा होता है, वहाँ से सीखते हैं। वेल एक्चुअली बहुत सारे लोगों का मुशाहदा बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुशाहदा कभी भी तालीम का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। छोड़ दो, मैं पढ़े लिखे बंदे ने भी आहो जी हरकत करदे वेख्या दिल्ली चढ़ गए खुदा दी कसम। क्या साडा एक बड़ा पढ़े लिखे भरा ने साडे, अच्छा मेरे सामने उन्होंने कोफते खादे ने करके शोरबे वाले चमचे नाल उतो अम्मा का जूस पी गए। नहीं नहीं सरदार साहब, इसमें तालीम का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें तो मैनर्स की बात है ना। मैनर्स की बात भी नहीं, इसमें सिर्फ भूख का अमल दखल है और टेस्ट का कि भैया उसको टेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है कर रहे हैं। जी तुम्हारी करना जो माई दी कंबाड़ आ जानी है। मैं समझता हूँ मुशाहिदा जो है ना बहुत ज्यादा बेहतर है तालीम के। मैं मुशाहिदे की गल करना चाह रहा था खान साहब, मैं कहा शादी वाले घर च ना जिस कमरे देगा ना मसाला पे आता, उस कमरे के ताले की चाबी यह बंद को जी ईमानदार बंद की निशानी यो ही है, बंद व्याह में देख के कहते इन देगा को ना जान देना। देख दे थले जेड़ा कोला पटाका मार के दूर डिगदा वह इंज दा हुंदा। आप ये देखिए कि इस खित्ते पे जिस बंदे ने सबसे ज्यादा हुक्मरानी की 50 साल तक अकबर अनपढ़ था। लेकिन अबू बकर एक बात आप जानते हैं कि जितने भी बड़े कॉमेडियन गुजरे हैं या अभी तक हैं, कॉमेडी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा। आप ये देखिए वो सारे के सारे को इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो उनके हिस्से मुशाहिदा है दैट्स ऑसम एंड दैट्स व्हाट काउंट्स इन कॉमेडी। बट अगेन आई वुड से कि मुशाहिदा चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो कभी भी तालीम का नेमुल बदल नहीं हो सकता। ये बात तो है लेकिन मैं ये कहूंगा जरूरी है। आपने जिस तरह कहा ना कि कॉमेडियन जो है सरदार साहब बैठे हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं इनकी, आप ये देखेंगे उनका मुशाहिदा इतना जबरदस्त है कि आज भी ये चल रहे हैं। तालीम होती इनकी तो कब के निकाल दिए गए? आपको अनपढ़ कह रहे हैं? अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं, जाहिल होना बहुत बुरी बात। बहुत अच्छी क्या बात है, ये बहुत भारी बात कही इन्होंने। सुन रहे हैं अकमल भाई? हां तो तू इधर से अमल करना। मैं तो हैरान अम्मा जी ते जेड़ी उम्र च खामंद का ना भूल जाता वो पढ़ने लग पे। खामंद का तो जानबूझ के भूलती है। हाँ उम्र के साथ कुआते हाफजा आपकी बहुत मुतासर होती है, इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बट स्टिल सल्यूट टू हर। 110 साल इनकी उम्र है, सऊदी अरब रियाद से इनका ताल्लुक है, लेकिन आप उनका शौक देखें, डेडिकेशन देखें कि अब जाके उन्हें तालीम बालगा के स्कूल में हिस्सा लिया। उन्होंने शाहब ने अच्छी गल की थी कि इस उम्र से जाके बंदा अपना ना भूल जाता है, जिनी उम्र चो पढ़ रहे ने इन्नी उम्र से मियाँ बीवी एक दूजे को खंघ तो पछाणते ने। कौन अरशीद है? मैं हाँ। यहाँ पे मुझे हाफजे पे एक शेर याद आ रहा है, बहुत खूबसूरत शेर है कि याद माजी अजाब है यार अब गुडनेस छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। वो तो पहले छीन लिया, हूं की छीनना तो।
मैं तो माई जी ने कलैप करांगा, पढ़ना चाहिए है। जी बिल्कुल जी। तो देखते अगली खबर क्या है, क्या खबर है जी? अगली खबर है कि चोरी की अनोखी वारदात, घर से कुछ ना मिलने पर चोर 500 रुपए छोड़कर चले गए। नालो लेके गया ने, अन्नी दियो बच्चियों, काम तो भी जाया करो। वैसे मुझे 50-50 का वो स्किट याद आया जिसके अंदर माजी जहांगीर सोरत और इस्माइल तारा जो है वो चोरी करने आते हैं, जेब से 5 रुपए दे के खुदा हाफिज करके तो निकल जाता, बहुत मजेदार। अच्छा नहीं, वैसे एक गैंग आजकल सरगर्म में थे, मिंचना बादल पेट्रोल पवा ली तो मंजिल ते पहुंच जाएगा। चोर डाकू भी और रॉबिनहुड। अच्छा वीना, ये वाकया कहां का है? ये वाक्य श्रीलंका का है, जहाँ पर चोर एक इंजीनियर के घर में दाखिल हुए, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कबर्ड्स हैं, उसमें सिर्फ कपड़े हैं और कुछ खास कैश ज्वेलरी कुछ भी नहीं है। उनको तरस आया होगा इंजीनियर बेचारे पे, तो जाते जाते 500 रुपए का नोट छोड़ के चले गए। जब इंजीनियर वापस आया तो दरवाजा टूटा हुआ था, 500 रुपए का नोट पड़ा था, थले खत पे ऐसे होते लिखा सी, मुल्क डिफॉल्ट होने की वजह से चोर तुम्हें 500 रुपए दे ए, अब तो उन्होंने करवट ले ली है, अब तो वो ठीक हो गए। हम कब लेंगे करवट? हम सोए हुए नहीं ना, असल में वो कहते हैं ना कि सोए हुए का तो उठा सकते हैं, उठे को कैसे उठाएंगे आप? वाह 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 वाह, खान साहब अरबपति घर का मस्त होंगे। और अजे चोर फड़ा जाए ना राय साहब वर्गा, वो कह रहे थे मैं 1000 छेत्र मार लो सर, मेरी टेंडर कर लो। दादा पहले जमाने में चोर हुआ करते थे, जो कहते हैं ना वो तेल शेल लगा कर वो चोरी करने जाया करते। हाँ जी हाँ जी। वो पकड़े नहीं थे जाते, वो भी फड़े जाते सन। कैसे? अगले भी रात नूं रेत ला लेंदे सन। हाँ, अगले रात नूं हत्थां नूं मिट्टी मुट्टी ला के सौंदे सी, चोर नूं हत्थ पाणा अज। नहीं, अब तो वीना ऐसे चोर हैं कि जिनको पकड़ ही नहीं सकते, व्हाइट कॉलर क्राइम आपको पता है। हाँ जी। वो लोग नहीं वो बड़े मुश्किल से पकड़े जाते हैं। यानी कि आप बड़े चोरों की बात कर रहे हैं। अच्छा गल जी शुरू कर दे, नगरान गवर्नमेंट ए हुक्म ना बन रही। और एक और चोर को भी पकड़ नहीं सकते आप। कौन? जैसे लाला है दिल के चोर। नहीं, दिल का चोर पकड़ा जाए तो उसको जूते बहुत पड़ते हैं सारी। और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।